हेलो, एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? हाय नम्रता, हाउ आर यू? हेलो हेलो हेलो, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आप सबका स्वागत है लीगल रीजनिंग लॉ ऑफ टॉट्स की क्विज में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं। आशा करती हूँ कि आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम कृतिवी नागर है, मैंने अपना बीएलएलबी एलआई भोपाल से कर रखा है, और फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक 339। जब मैंने क्लैट दिया था, फिर मैंने सोचा क्लैट पीजी भी कर लेते हैं, तो फिर मैंने अपना एलएलएम का एग्जाम दिया क्लैट का, उसमें रैंक आई 425। तो मैं जुएनली गुजरात चली गई, वहां से अपना एलएलएम करने के लिए। मैं प्लस एजुकेटर हूँ और मैंने यूजी नेट भी क्लियर कर रखा है। कांग्रेचुलेशंस टू क्लैट 2023 टॉपर, 70 प्लस एनयू एडमिट्स हैं, एआईआर 2, एआईआर 37, एआईआर 96। तो ये अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम यहाँ पे आए, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी क्लास 2023 लर्नर्स टॉप लर्नर्स पढ़ने का नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक में पढ़ना चाहता है, अनअकैडमी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है घर बैठे बैठे और मॉक्स देना चाहता है, तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या आइकॉनिक ले सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको मेरी पढ़ाई सारे सकते हैं, तो आप मेरा कोड यूज सकते हैं कृति भी 10% डिस्काउंट के लिए अनअकैडमी ऐप पे। कांग्रेचुलेशन टू क्लैट 2023 टॉपर्स। तो यहाँ पे सब टॉपर्स दे रखे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप मेरे बैचेस को या किसी भी बैच को अनअकैडमी ऐप पे, तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। हेलो हेलो हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? अभी हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है जिसमें मैं लीगल रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप मुझसे कोई भी मुझसे लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एनयू कॉम्प्रिहेंसिव बैच है क्लैट और एलए 2024 के लिए। ये January 27 को शुरू हो रहा है। अगर आप मुझसे कोई भी इसमें एनरोल करना चाहते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बैच इसमें मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो क्लास होती है 7 to 8 PM मंडे टू सैटरडे। तो अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। दोस्तों, कहीं से कहीं भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ टॉट्स क्विज। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। कोई बात नहीं, मैंने यही बोला कि मैं म्यूट पे हूँ। स्टार्टिंग द पोल गाइस, इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आसान से क्वेश्चन का दोस्तों, आसान सा जवाब। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सन्स लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। बिना जस्टिफिकेशन के अगर आप किसी को एक जगह पे बंद कर देते हो जहां से वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं फॉल्स इंप्रिजनमेंट। तो एक पब्लिक रोड का एक एरिया बंद कर दिया गया, जो कि स्पेक्टेटर्स जहां पे बैठे हुए थे और एक बोट रेस देख रहे थे। पी उस एरिया में जाना चाहता था, लेकिन डी ने उसे बोला कि नहीं, अब आप आगे नहीं जा सकते। पी कहीं ना कहीं से घुस तो गया, लेकिन वहां नहीं जा पाए जहां पे वो जाना चाहता था। पुलिसमैन ने बोला कि हम तुम्हें और आगे नहीं जाने देंगे। तो वो बोला कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, ठीक है फाइन, मुझे मत जान दो, मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक मुझे जाने नहीं दोगे। और फिर पुलिस वालों के ऊपर उसने फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस कर दिया। तो ये फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं है, क्योंकि फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए टोटल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वो अभी भी वापस उस रास्ते पे जा सकता था पिछले वाले, तो इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, चारों डायरेक्शन उसकी क्लोज नहीं हुई है, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो सकता है, पर फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बीस
करेक्ट देन होता रिया देन ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन बट ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. Starting the poll, guys. Easy and peasy. Oh my God. चलिए काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया है क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे तो सही होना ही था दोस्तों. देर आर सर्टेन एक्ट्स विच दो हार्मफुल आर नॉट रॉन्गफुल इन लॉ. ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो मतलब आपको दुख पहुंचाते हैं जिंदगी में, लेकिन वो रॉन्गफुल नहीं होते, गलत नहीं होते हैं, तो उसमें आप लीगल केस नहीं कर सकते. क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे आपका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं होता है. तो जहां पे भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, वहां चाहे आपको कितना ही दुख हो रहा हो, मतलब नुकसान हो रहा हो, आप केस नहीं कर सकते. प्रकाश की राइस मिल थी, नेबर ने भी राइस मिल लगा ली, तो दोनों के पास राइट है राइस मिल लगाने का. वो जितना भी उसका पैसा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपटीशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो प्रकाश के प्रॉफिट कम हो गए, ये उस चीज का केस उसके ऊपर नहीं कर सकता शांति के ऊपर, क्योंकि शांति का भी उतना ही राइट है मिल लगाने का जितना प्रकाश का था, और प्रकाश का कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए बी इज द करेक्ट दोस्तों आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Gaurav, let me tell you two. अगर आप टॉर्ट में केस करना चाहते हैं तो कंसेंट में आपको डिफेंस मिलता है कि आपकी कंसेंट थी, लेकिन कंसेंट में दोनों चीजें होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपको पता था उस एक्ट के बारे में, और उस एक्ट के लिए आपने हाँ बोला, यस बोला कि हाँ ठीक है मैं यहां हाँ उठाने को तैयार हूं. स्टार्टिंग द पोल गाइस. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ये मैंने आपको क्लास में कराया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है जब पिछले महीने मैंने आपको बहुत ज्यादा तरीके से लॉ ऑफ टॉर्च पढ़ाया था. तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी कोई पर्सन एक कैब में बैठता है जिसमें कैब ड्राइवर इंटॉक्सिकेटेड है, उसने कुछ भी मतलब ऐसा सब्सटेंस ले रखा है जिससे कि वो अपनी हालत में नहीं है, अल्कोहल वगैरह पी रखी है, तो उस केस में ये सिर्फ आपको पता है, ये नॉलेज है आपको कि रिस्क है इसके गाड़ी चलाने में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हाँ बोल रहे हो कि हाँ चलो चलिए अपन अपना एक्सीडेंट करते हैं क्योंकि तुम तो इंटॉक्सिकेटेड हो. वाओ, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों ऐसा. तो आपको दोनों चीजें कंसेंट में रिक्वायर होती है. पहला होता है नॉलेज यहाँ पे लड़की को थी, और दूसरा होता है अजम्पशन ऑफ रिस्क कि हाँ मैं रिस्क उठाने को तैयार हूँ. लड़की के किसी भी एक्ट से या फिर उसके बोलने में उसने ऐसा नहीं बोला कि चलो एक्सीडेंट करते हैं. तो यहाँ पे बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेडी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा क्योंकि दोनों कंसेंट के एसेंशियल्स मीट नहीं हो रहे, सिर्फ नॉलेज वाला हो रहा है, उसने यस बोला रिस्क को, ये मीट नहीं हो रहा है. तो लेडी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन क्योंकि उसे सिर्फ रिस्क पता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि हाँ मैं रिस्क उठाना चाहती हूँ, चलिए अब एक्सीडेंट करके आते हैं. समझ गए? और सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, इसलिए सी आंसर नहीं हो सकता बेटा. ठीक है, यहाँ पे पैसेज में ही लिखा हुआ है कि रिस्क के नॉलेज के साथ साथ अजम्पशन भी होना चाहिए, तो पैसेज ही लगा देते शायद, तो सही करते. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ. आलिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हाँ बोल रही है कि हाँ चलो एक्सीडेंट कर दो.
सिर्फ उसको नॉलेज थी, उसका मतलब नॉलेज होने का मतलब ये नहीं होता कि आपका हाँ है। और उसने गाड़ी में बैठने के लिए हाँ बोला, एक्सीडेंट कर दो का हाँ नहीं बोला ना बेटी, समझी? पढ़ लिया, स्टारिंग द पोल गाइस, इजी एंड पीजी। तुम पागल हो थोड़े से, मैंने परसों ही ये क्वेश्चन कराया है, जो मैंने क्लास में लास्ट क्विज कराई थी उसमें ये क्वेश्चन कराया मैंने। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं कराया था, मास्टर होता है जिसकी एक बस होती है, बस में वो एक कंडक्टर रखता है, कंडक्टर के अलावा वो एक ड्राइवर रखता है। अगर ड्राइवर बोलता है कंडक्टर से कि हाँ भाई आप गाड़ी चला सकते हो तो मास्टर लायबल होगा, अगर ड्राइवर नहीं बोलता कंडक्टर अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता है तो मास्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि जब ड्राइवर ने कंडक्टर को हाँ बोल दिया तो उसने बेसिकली मास्टर का ही एक्ट किया ना। तो यहां पे भी तो उसने अपने भाई को हाँ बोल दिया, भाई छुप छुपा के थोड़ी लेके गया गाड़ी, जो ये बड़ा भैया है इसने बोल दिया कि हाँ ठीक है ले जाओ कंपनी का कार यूज कर लो, तो ये कंपनी का कार यूज कर लो ड्राइवर ने ऑथराइज कर दिया, तो मतलब ये काम किया ना उसने अपनी कंपनी का। यस करेक्ट अनमेश, तो यहाँ पे बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कंपनी इज लायबल क्योंकि डेविड अलाउड द ब्रदर टू ड्राइव द कार। अगर डेविड नहीं बोलता, वो छुप छुपा के गाड़ी लेके चला जाता तो फिर कंपनी लायबल नहीं होती, पर क्योंकि डेविड ने बोला उसको ले जाने के लिए तो बेसिकली उसने कंपनी के बिहाफ पे किया है, ठीक है। हाँ लेकिन भैया ताऊजी जी भाई साहब, फिर भी काम तो वो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है ना, कंपनी के बिहाफ पे तो ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पे देयरफॉर द कार वॉज नॉट इन, वॉट डू यू थिंक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट कि वो ऑफिस के बाहर खड़ी है या ऑफिस के लिए जा रही है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जब जब भी आप एज अ मतलब वो कार तो कंपनी की है ना भाई, मतलब कैसी तुम्हारी कल को जॉब लगती है, कंपनी तुम्हें गाड़ी देती है, कंपनी को अगर तुम गाड़ी को तुम यूज करोगे तो वो माना नहीं जाएगा कि कंपनी के बिहाफ पे हो रहा है उसका यूज, क्यों माना जाएगा ना? तो देयरफॉर कंपनी इज गोइंग टू बी लायबल बिकॉज इट वाज द कंपनी कार, और यहाँ पे उसने अपने भाई को बोल दिया कि आप ड्राइव कर सकते हो, तो इन दिस पर्टिकुलर केस उसके बिहाफ कंपनी के बिहाफ पे माना जाएगा क्योंकि द ब्रदर अलाउड इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस करेक्ट गगन,
आप ना प्रिंसिपल के हिसाब से आंसर करना, ठीक है? प्रिंसिपल लिखना है आपको एक बार। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल के हिसाब से करना आंसर। चलिए, स्टार्टिंग द पोल गाइस। प्रिंसिपल के हिसाब से बोला ना मैंने स्पेसिफिकली। ये एलिट का क्वेश्चन है, एलिट प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं करता था पहले आंसर। एलिट वाज नॉट, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि अब एलिट प्रिंसिपल के हिसाब से ही करता है। पहले एलिट का जो क्वेश्चन पेपर आता था वो प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं होता था। जो लीगली मॉरली उन्हें सही लगता था वो आंसर लगाते थे। अब दे हैव चेंज द पैटर्न, दे अप्लाई द प्रिंसिपल एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रिंसिपल? When a person unlawfully intervenes in the chattel of another person by which the latter is deprived of its use, the former commits the tort of conversion. मैंने आपको क्लास में बताया कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपने किसी और के साथ इस प्रकार से उसका गुड यूज किया है, कोई भी चीज यूज करी है जिससे कि अब वो उस गुड को यूज नहीं कर सकता, इसको कन्वर्जन कहते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की साइकिल पार्क हुई हुई थी पार्किंग में, आपने वो साइकिल उठा के बाहर फेंक दी और वो साइकिल चोरी हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आपने कन्वर्जन किया है क्योंकि आपकी एक्ट की वजह से अब उसकी साइकिल उसके पास नहीं है, तो आप कन्वर्जन के लिए लायबल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक पेशेंट है जिसको फाइब्रॉइड है अपने यूट्रस में और वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाती है। एक्स को ये बोला जाता है कि सर्जरी करा लो यूट्रस से हटाने के लिए फाइब्रॉइड को, ऑपरेशन हो जाता है, एक्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर एक रिसर्च होती है जिसमें पता चलता है कि इसके जो फाइब्रॉइड्स थे उसमें रेयर सेल्स हैं, और लैबोरेटरी जो है इन सेल्स के ऊपर रिसर्च करती है और उससे कुछ कुछ ड्रग्स बना लेती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या लैब को हम कन्वर्जन के लिए लायबल कर सकते हैं? कन्वर्जन क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते जो आपकी चीज थी। तो ए क्या बोल रहा है, केएलएम इंस्टीट्यूट शेयर करने की जरूरत नहीं है एक्स के साथ क्योंकि एक्स इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द यूज ऑफ हर फाइब्रॉइड्स। एक्स फार फ्रॉम बीइंग डिप्राइव्ड वाज एक्चुअली बेनिफिटेड बाय इट्स रिमूवल। कन्वर्जन का मेन क्या बोलते हैं, असेंशियल क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू यूज दैट प्रोडक्ट एनी मोर। तो ऐसा तो नहीं है कि वो यूज नहीं कर सकती, बल्कि यूज तो उसका था ही नहीं ना, उसने तो खुद ही बोला कि मेरे लिए ये यूजलेस है। तो कन्वर्जन किस चीज का होता है? जब आप किसी चीज को यूज ही नहीं कर सकते, बट इट वॉज एनी वे यूजलेस फॉर हर। तो प्रिंसिपल के हिसाब से जाते हुए यूज ऑफ हर फाइब्रॉइड्स नहीं लग पा रहा, और प्रिंसिपल में ये चीज लिखी हुई है कि ऐसा कुछ काम करना जिससे सामने वाला उस चीज को यूज करने से डिप्राइव हो जाए। ठीक है, तो गोइंग बाय द लैंग्वेज ऑफ द प्रिंसिपल, ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। एनएलयू दिल्ली के 2016 आंसर के हिसाब से बी इज करेक्ट, बट हम अब एज इट इज प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं क्लैट में भी एलिट में भी, तो गोइंग बाय द न्यू पैटर्न ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल के हिसाब से जाना, ठीक है? क्योंकि जैसे यूज ऑफ फाइब्रॉइड और यूज ऑफ द प्रोडक्ट वो दिया हुआ है इन द प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग द पोल गाइस।
मुझे पता था ये काफी सारे लोग गलत करने वाले हैं. आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर इट. चलिए समझ लेते हैं दोस्तों. सो प्रिंसिपल क्या कह रहा है? प्रिंसिपल कह रहा है, नोबडी शैल अनलॉफुली इंटरफियर विद अ पर्सन यूज ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इट. द यूज और एंजॉयमेंट शुड बी नॉर्मल एंड रीजनेबल. आप किसी और के प्रॉपर्टी अगर वो एंजॉय करना चाहता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें उल्लंघन नहीं कर सकते. और ये जो एंजॉयमेंट है कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए कि आप भाई रीजनेबली अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो, जैसा कि बाकी लोग भी एंजॉय करते हैं. जीवन और पवन नेबर्स हैं. पवन एक टाइपिंग क्लास शुरू करता है जिसकी वजह से जीवन को दिक्कत होती है उस टाइपिंग क्लास से. तो टाइपिंग क्लास में टक 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 आवाज आती है, तो इतनी साउंड के साथ तो रीजनेबल पर्सन जी ही लेता है. एनी रीजनेबल पर्सन कैन लिव विद टक 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 टक, क्योंकि ये रीजनेबली मतलब माना जाता है कि भाई थोड़ी बहुत साउंड के साथ तो आपको रहना पड़ेगा. तो यहाँ पे पवन इज नॉट गोइंग टू बी लायबल. तो ए और बी तो ऑप्शन आउट हो जाते हैं. बचे सी और डी. पवन इज नॉट लायबल क्योंकि टाइपिंग साउंड किसी और को परेशान नहीं कर रहा है. डी इज नन ऑफ द अबव. अगर आप प्रिंसिपल देखो तो प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि आपका जो यूज ऑफ प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल और रीजनेबल होना चाहिए. तो गोइंग बाय द प्रिंसिपल, द ऑप्शन जो ज्यादा लीगल आंसर, जो ज्यादा करेक्ट आंसर होएगा, पवन इज नॉट लायबल बिकॉज हिज एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज अनरीजनेबल एंड ही वॉज अ सेंसिटिव प्लेंटिव. तो क्योंकि वो ज्यादा लीगल आंसर होता और हमारे पास नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो हम इसलिए डी के साथ जाएंगे. सी के साथ हम तब जाते हैं जब डी में प्रोबेबली लिखा होता पवन इज लायबल या कोई अनरीजनेबल सा रीजन दिया गया होता, पर क्योंकि हमारे पास नन ऑफ द अबव है तो इसलिए पवन इज नॉट गोइंग टू बी, तो हम उसके साथ जाएंगे. क्योंकि रीजन ये है कि वो लायबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो क्या नाम है इसका, जीवन है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फालतू का, और ये अनरीजनेबल अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता है. आपको सिर्फ रीजनेबल राइट मिलता है, पूरा राइट नहीं मिलता है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा नहीं मिलेगा आपको. और अगर किसी का ये सवाल है कि हम सी के हिसाब से भी तो सेंसिटिव प्लेंटिव ही लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपिंग साउंड किसी और को परेशान नहीं कर रहा, पर हो सकता है कि यार पूरी कॉलोनी में सबके सब सेंसिटिव हो तो वो परेशान करता, बट दैट वुड स्टिल नॉट हैव बीन द रीजन ना. तो द करेक्ट रीजन विल बी कि पवन इज नॉट लायबल बिकॉज जीवन इज सेंसिटिव एंड इट इज अनरीजनेबल फॉर हिम टू एक्सपेक्ट कि बिल्कुल भी साउंड ना हो. ठीक है, सो विच इज मोर रिलेटिंग टू द पैसेज, इसलिए डी इज करेक्ट. चलिए नहीं पलक बेटा, ऐसे ऐसे आप इन्फेरेंसेस नहीं निकाल सकते जो नहीं दे रखे हैं पैसेज में. सारे बच्चे टक टक कर रहे हैं, शोर ज्यादा होगा, आप नहीं बता सकते ना. ये चीज लॉ के हिसाब से नहीं है, वो शोर रीजनेबल माना जाता है. आपके घर के साइड में आज म्यूजिक क्लास खुल जाए, इट विल बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल. कुछ साउंड के साथ आपको जीना पड़ता है. Starring the poor guys. ये भी मैंने आपको क्लास में कराया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज सही करिएगा. आसान से क्वेश्चन का दोस्तों, आसान से जवाब. काफी सारे लोगों ने सही किया है. तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ थॉट्स में मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैटर नहीं करता. मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपका डिफेंस नहीं हो सकता है. आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ओहो मुझे पता नहीं था ये मेरी गाड़ी नहीं है, गलती से किसी और की गाड़ी उठा ली, ऐसा आप नहीं कर सकते. थॉट्स में आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा ही. तो ए ने एक कार खरीदी एक ऐसे इंसान से जिसका कोई टाइटल नहीं था और रिपेयर के लिए भेज दी, लेकिन फिर भी ओनर क्या बोलते हैं पोजेशन तो अभी भी उसके पास है. और ट्रेसपास पोजेशन के अगेंस्ट होता है. पोजेशन मतलब फिजिकली कार किसके पास है, तो फिजिकली कार ए के पास है और एक्स को गलत लगा कि वो उसकी कार उठा के ले गया, तो एक्स को ट्रेसपास के लिए लायबल किया जा सकता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे गलत लगा, क्योंकि लॉ ये कहता है कि भाई आपकी मिस्टेक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आपको रियल पर्सन को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा जिसकी वो एक्चुअल कार थी. तो एक्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर ट्रेसपास टू गुड्स. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नहीं, पूरा सेशन ऐप पे होता है, वाईटी मत करना उन्मेष, मेरी क्लास का तो स्पेसिफिकली, अगर आप प्लस पे हो तो.
बस क्विजेस स्पेशल पे एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी वाईटी पे जो पढ़ाने वाला सीन है वो मत करना। चलिए, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया था, स्टार्टिंग द पोल गाइस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, काफी बार मैं आपको ये क्लास में करा चुकी हूँ। तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप रीजनेबल केयर ले ऐसे एक्ट्स को अवॉइड करने के लिए जो कि मतलब जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, जो आप फोर्सी कर सकते हैं। फोर्सी का मतलब क्या होता है, जो आप मतलब सोच सकते हैं कि यार मेरे इस एक्ट की वजह से ये हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपनी छत पे से पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये फोर्सिएबल है कि किसी के सर पे लग सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप मिक्सी बिना जार लगाए हुए उसका ऊपर से उसको चला देते हैं, तो ये फोर्सिएबल है कि उसमें से जो भी सामान है वो स्पिल हो जाएगा किसी के ऊपर। तो ऐसी चीजें जो आप फोर्सी कर सकते हो, सोच सकते हो, वो नहीं करनी चाहिए अगर उससे किसी को हर्ट हो सकता है। अब कृष्णन जो है एक हाई स्पीड में कार को चला रहा था, उसने एक साइकिलिस्ट को मार दिया, जिस जो उस गाड़ी के नीचे आ गया, उसका खून पूरी जगह फैल गया। वहां साइड में से एक प्रेगनेंट वुमन जा रही थी और वो मिसकैरेज सफर करती है क्योंकि उसने इतना सारा खून देखा तो वो घबरा गई। तो यहाँ पे कृष्णन उसको लायबल नहीं होगा, ठीक है? कृष्णन कैन बी मेड लायबल टू द पर्सन जो साइक्लिस्ट था, लेकिन उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर रोड पे जा रहा है तो ये सोच के नहीं जाता कि भाई साइड में कोई प्रेग्नेंट लेडी चल रही होगी, अपन को उसका ध्यान रखना है कि उसे नर्वस स्ट्रोक हो सकता है, राइट? तो दैट कैन नॉट बी फोरसीन, इसलिए उसकी तरफ लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलिए स्टार्टिंग द पो गाइस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया था, शायद आपकी याददाश्त हो गई है थोड़ी सी खराब, कर गए हैं आप भूल शूल, तो नहीं करिए दोस्तों। ये मैंने आपको कराया भी था क्लास में कि भाई अगर स्केयरसिटी होती है, अगर ऐसी सिचुएशन है जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो उस केस में आप लायबल नहीं होते। मैंने आपको दो एग्जाम्पल कराए थे, एक मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था मूवी थिएटर का, कि नॉर्मल डेज में एक मूवी थिएटर में मूवी लगाई गई और मूवी थिएटर ने बोल दिया कि आज टिकट होगा 50 रुपए का, तो बहुत लंबी लाइन लग गई जो रोड तक चली गई, पूरी रोड ब्लॉक हो गई। यहाँ पे थिएटर वॉज लायबल फॉर नुइसेंस क्योंकि नॉर्मल डे था। दूसरा मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, एक सब्जी मंडी है जहां पे स्केयरसिटी हो गई है एक शहर में, वहां पे कुछ भी सब्जी नहीं मिल रही है, वहां पे एक भैया ठेला लगाते हैं, लोगों की लाइन लग गई है, रोड तक चली गई है स्केयरसिटी के टाइम में, तो यहाँ पे ही इज नॉट गोइंग टू बी लायबल फॉर नुइसेंस क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज है कि अनियंस अवेलेबल ही नहीं है पूरे शहर में कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली जिस एक जगह अवेलेबल है वहां लंबी लाइन लगेगी, पर थिएटर वाली जगह पे लंबी लाइन लग गई है ये नुइसेंस में आएगा क्योंकि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं और पे मूवी ही नहीं मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल फॉर नुइसेंस क्योंकि ये ड्यूरिंग द स्केयरसिटी ऑफ अनियंस के दौरान एक्टिविटी हुई है। अगर नॉर्मल डेज पे होता, जब अनियन मिल रही थी मार्केट में, तब ऐसा होता कि लाइन लग गई है तो वो लायबल होता नुइसेंस के लिए, ठीक है? तो प्लीज ये याद रखना, अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ स्केयरसिटी हो जाती है, तो नुइसेंस के लिए आप लायबल नहीं होते, ठीक है? नॉर्मल टाइम्स में होते हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर, और ये मैंने आपको क्लास में कराया भी है, तो प्लीज थोड़ा सा रिविजन लाइफ में सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्टिंग द पोल गाइस. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आसान से क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान सा जवाब. तो मास्टर लाइबल होता है उन एक्ट्स के लिए जो सर्वेंट कमिट करता है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, तो यहाँ पे संजय एक ड्राइवर है, उसको कंपनी ने भेजा कि जाके एक बंदे को ड्रॉप करके आओ एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से वापस आ जाना. जब संजय वापस आ रहा था तब उसे उसकी फियांसी मिल गई रूहिना. रूहिना को उसने गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी का ज्यादा एक्सीडेंट, रूहिना को लग जाती है चोट. तो रूहिना अब संजय की कंपनी से कॉम्पेंसेशन मांग रही है अंडर वाइकेरियस लाइबिलिटी. तो मैंने आपको बताया था कि भाई खुद एक बात सोचो, प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो. संजय जब वापस आ रहा है क्या बोला उसको, गो टू द एयरपोर्ट एंड गेट बैक एट द अर्लीएस्ट. तो वो वापस आ रहा है, चाहे रूहिना होती या नहीं होती, कंपनी के लिए वो वापस आता ही आता ना. तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना अभी, तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चोट लगी है ना रूहिना को, तो मिलेगा ना कॉम्पेंसेशन. तो ए इज आंसर ओनली करेक्ट, ब्रुकबॉर्न एंड कंपनी शैल बी लायबल क्योंकि संजय वाज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. समझ गए? तो प्लीज वाइकेरियस लायबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हैं जिस दिन मैंने वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ाया था, ये भी कराया था, तो जरा उसको रिवाइज कर लें तो सही रहेगा. चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या क्लैट में. क्लैट में आपके पैसेज बेस आते हैं, एक बड़ा प्रिंसिपल दिया होता है, लंबा प्रिंसिपल दिया होता है, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस पूछते हैं. बट फैक्ट्स तो सेम वो पूछ सकते हैं ना, हो सकता है आपका प्रिंसिपल आ जाए इंडिविजुअल साइन डायमनम का, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का फैक्ट ये हो, तो ऑफकोर्स दैट वे वाई नॉट सी. सी वॉज रूहिना गॉट इन टू द कार एट हर ओन रिस्क, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का प्रिंसिपल नहीं है. यस ठीक है. अरे ये तो मतलब भाई क्लैट हर साल ये क्वेश्चन पूछ रहा था, हर साल. स्टार्टिंग द पोल गाइस इजी एंड पीजी एंड लेमन एंड स्क्वीजी. चलिए, सोनू जो है एक ऑफिसर है जो कि पोलिंग बूथ पे है, वहां पे वो मना कर देते हैं मोनू को कि एक्सक्यूज मी आप वोटिंग नहीं कर सकते, पर मोनू के पास राइट था वोटिंग का. तो मोनू का लीगल राइट है वोटिंग का, उसको वायलेट किया गया है, तो ऑब्वियसली वो सोनू पे केस कर सकता है. फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वोट. फंडामेंटल राइट का चैप्टर आता है आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. इन सारे आर्टिकल्स में कहीं पे भी वोटिंग की जिक्र नहीं करी गई है. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ लीगल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं दिया गया. तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डैमेज हुआ हो नहीं हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केस कर सकते हैं, चाहे आपको कोई चोट लगी हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, नहीं हुआ हो, कुछ नहीं. अगर लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ हो तो फिर चाहे आपको कितनी चोट लगी हो आप केस नहीं कर सकते. तो ये दो प्रिंसिपल जरूर याद रखिएगा, इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया. चलिए एक बार लीड बो देख लें क्या. नम्रता अभय, अंश अक्षित, शिविका विशाखा, करिश्मा आरुषि, उन्मेश एंड कुमकुम. अरे ये तो अभी अपन ने किया ना. चलिए स्टार्टिंग द पोल गाइस. एनएलयू दिल्ली ने भी क्वेश्चन पूछा था. इजी पीजी लेमन एंड स्क्वीजी. So, आसान से क्वेश्चन था दोस्तों, आसान सा जवाब. एक्स को लायबल किया जा सकता है ट्रेसपास टू गुड्स, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्टार्टिंग द पोल गाइस। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नोटिस में क्या लिखा हुआ है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नोटिस में किन को पनिश किया जाएगा, जो ट्रेसपासर्स हैं। ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? जो बिना परमिशन के आपके एरिया को यूज करते हैं, है ना। ट्रेसपासर्स वो लोग होते हैं ना जो बिना परमिशन के आपका एरिया यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ऑक्यूपायर ऑफ अ प्रिमाइस होज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू ऑल हिज इनवाइटीज एंड विजिटर्स। तो ट्रेसपासर्स को तो प्रोसिक्यूट करेंगे अगर कोई भी आया क्रॉस करने के लिए, लेकिन किसको नहीं कर सकते? इनवाइटीज और विजिटर्स। विजिटर्स कौन होते हैं? जो आपकी जान पहचान के आपको मिलने के लिए आए, आपके मम्मी पापा, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फलाना। इनवाइटीज कौन होते हैं? जिनको आपने खुद इनवाइट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई पोस्टमैन आया या फिर चिट्ठी देने के लिए, अमेजोन का पार्सल देने के लिए, ठीक है। सॉरी, इनवाइटीज घर वाले लोग और विजिटर्स जो आपके यहाँ ये सब चिट्ठियां मिट्ठिया देने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट देखिए दोस्तों, ललित एक डेयरी फार्म चला रहा है। लोग जो है उस फार्म को शॉर्टकट के तौर पर यूज करते हैं। ललित को ये चीज पसंद नहीं है तो वो एक नोटिस भी लगाता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। लेकिन कुछ लोग उसके कस्टमर्स हैं तो वो उनको मना नहीं करता, तो उनको इन्वाइट कर लिया ना उसने, अब वो इनवाइटीज हो गए। और ये जो नोटिस है ये किन लोगों के लिए था? सिर्फ ट्रेसपासर्स के लिए। इनवाइटीज की तरफ तो ड्यूटी ऑफ केयर है ना, तो अगर अब इनवाइटीज को चोट लग गई तो फिर ललित लायबल होगा, क्योंकि उसने लोगों को भाई मैंने ये आपको क्लास में भी पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, नो उन्मेश ये आंसर नहीं होगा, डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने ये चीज आपको क्लास में भी पढ़ाई थी, लॉ ऑफ टॉट्स का जब मैंने आपको कोर्स कराया था लास्ट मंथ, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप कोई फायदा निकालते हो किसी काम से तो आपको उसका दुख भी झेलना पड़ेगा। आप बाद में उसकी लायबिलिटी से हाथ पैर नहीं झाड़ सकते कि अरे मैं क्यों लायबल हूंगा, मैं क्यों कंपनसेशन दूंगा। तो क्यों यू करने दे रहे थे लोगों को यूज वो एरिया भाई? तो आप ये नहीं कर सकते कि आप चिट भी मेरी पट भी मेरी, सॉरी टाटा बाय बाय। तो ललित इज गोइंग टू बी लायबल क्योंकि उसने लोगों को अलाउ किया कि आप प्रिमाइसिस को यूज कर सकते हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। I did elaborate अभी बहुत सारा ना, because those people were not trespassers anymore, so therefore he will be liable. नहीं नहीं मतलब sorry बोलने की बात नहीं है, ऐसे मैं बता रही हूँ। प्रिंसिपल अगर आपको देखना हो, चलिए बताइए इसका आंसर दोस्तों। स्टारिंग द पोल गाइस, इजी एंड पीजी लेमन एंड स्क्वीजी। अच्छा, तो डिफेमेशन का प्रिंसिपल है। डिफेमेशन का मतलब होता है कि किसी की रेप्यूटेशन खराब करना जानबूझ के, झूठ बोल के, ठीक है। रुद्र जो है एक लड़की को डेट कर रहा है जिसका नाम है कियारा, 3 हफ्ते से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब फिर उसके बाद उसने लेकिन अपना नाम बताया है रिकी,
ठीक है, इसने मतलब मेरा नाम रिकी है, एक्चुअली उसका नाम है रुद्र। उसके बाद वो ये सोचती है कि ये लड़का रिकी ही है। बाद में जो है ये इनकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इनका हो जाता है ब्रेकअप। अब जो है वो रिकी पे गुस्सा होती है तो वो एक वेबसाइट शुरू करती है, रिकी ठाकुर इज अ जर्क डॉट कॉम। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो बाकी लड़कियों को वार्न कर सके कि ऐसी लड़की, ऐसे लड़कों से, इस लड़के से बात मत करना, ये बेकार लड़का है। तो अब गाइज ऑब्वियसली ये डेफिमेशन है, क्योंकि चाहे आपको ब्रेकअप हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते कि आपने एक वेबसाइट बना ली, आप उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। और ये तो वो बंदा था भी नहीं एक्चुअली जिसने ऐसा किया था, ये उसका नाम कुछ और था। तो एक्चुअली जो बंदा है उसकी रेपुटेशन तो खराब हो रही है। तो चाहे फिर आप वो मिस्टेक की वजह से कर रहे हो या जिस भी वजह से कर रहे हो, आप किसी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाते या जो भी करते, मतलब इन चीजों का तो पुलिस कंप्लेंट नहीं होता, बट आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हैं टॉक्सिक टाइप। तो ए इज द करेक्ट आंसर, कियारा गोइंग टू बी लायबल फॉर डेफामेशन, क्योंकि इंजूरियस था वो टू रिकीज रेपुटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस रखता है जो कि एस्केप करने पे किसी को डैमेज कर सकता है, तो वो एब्सोल्युटली लायबल होगा फॉर एनी डैमेज कॉस्ट। जितना भी डैमेज हुआ है सबके लिए लायबल होगा। Starting the poll, guys. ये आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसके बाद फिर 5 o'clock लॉ ऑफ डॉट्स वाला वाईटी क्लास है, 7 o'clock प्लस क्लास है क्वांटिटी वाला, 10 o'clock वन लाइनर फॉर एमएचसीटीज एंड ओएलईटीज क्विज है स्पेशल पे। चलिए आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों, आपके पैसेज में जो चीज लिख रखी है, आपके प्रिंसिपल में जो चीज लिख रखी है, आपको वही फॉलो करनी होती है। या आप क्यों गलत कर देते हो मेरे को समझ में नहीं आता है। आपके प्रिंसिपल में ये चीज दे रखी है कि अगर कोई भी डेंजरस थिंग अपने लैंड पे लेके आता है और उससे कोई भी डैमेज होता है, एनी डैमेज बेटा, वॉट एवर अमाउंट ऑफ डैमेज, चाहे फिर वो ज्यादा हुआ हो कम हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना सारा डैमेज है सबका कॉम्पेंसेशन देंगे, चाहे आपने कितनी ही केयर ली हो। मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस विफेंस कुछ नहीं मिलता है। हाँ कल है पृथ्वी लीगल सीए की क्लास 5 बजे, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर मिथाइल आइसोसाइनेट और स्टील कंडक्टर्स में था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ कुछ हो जाता है और डिजास्टर आ जाता है, और फिर अथॉरिटीज जो है यूएस यूसीआईएल के अगेंस्ट केस करती है कि बहुत सारा पैसा लगा, बहुत सारा पैसा लगा, और बाद में पता चलता है कि भाई डैमेज उतना सिग्निफिकेंट नहीं था और उन्होंने लेकिन ज्यादा सफाई कर दी तो ज्यादा पैसा लग गया। तो उनको सारा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल में गिवन है कि यू हैव टू पे फॉर ऑल द डैमेज। आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि अरे कम में भी साफ हो सकता था, 200 क्यों लगाए, 100 रुपए में भी हो जाता इसका काम। तो आप 200 लगे हैं तो 200 देने पड़ेंगे, चाहे फिर आप किसी और से काम कराते तो कम में करा सकते थे। तो ये पैसेज में ही गिवन था, तो अप्लाई द प्रिंसिपल एज इट इज, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अथॉरिटीज को मिलेगा कॉम्पेंसेशन और पूरा का पूरा मिलेगा, और चाहे ड्यू केयर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आप लायबल होते हो अगर डेंजरस थिंग आप अपने पास रखते हो। तो दैट इज इट दोस्तों, हियर्स योर लीड बोर्ड। अभय, अंश, नम्रताज, करिश्मा, उन्मेष, कुमकुम, शिविका, रिया, पलक एंड आर्या, वेरी 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 गुड गाइस। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया, यस प्लस ही आपको लीगल रीजनिंग में स्पेसिफिकली, अगर आप मुझसे कवर कर रहे हो लीगल का सिलेबस तो आपको प्लस ही क्लासेस करनी है, वाईटी नहीं करनी।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पलक, सम वॉइसेस यू हैव, मतलब आप इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते कि थोड़ी बहुत आवाज के साथ भी आप नहीं जियोगे, आपको जीना पड़ेगा दोस्तों. एक्स ऑब्जर्वर फाइंड सी लूजिंग हर कंट्रोल ओवर हर मोपेड व्हाइल ड्राइविंग डाउन द फ्लाईओवर स्क्रीन सी सो इज आस्किंग फॉर कॉम्पेंसेशन. हाँ, वॉलंटरी इज नॉट फिट फॉर एक्शन. सी मे टेक द डिफेंस ऑफ द अबव प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंटिफ्स फ्री कंसेंट. ए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ही होता है प्लेंटिफ्स फ्री कंसेंट, तो ये क्यों गलत कर दिया तूने? ए इज करेक्ट. रेस्क्यू केस पर प्रिंसिपल में मेंशन नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे. अगर प्रिंसिपल में दिया होता रेस्क्यू केस के आर में तो फिर वो लगाते, पर क्वेश्चन ये है ही नहीं कि लायबल है कि नहीं. क्वेश्चन ये पूछा है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया किस पे बेस्ड है? प्लेंटिफ्स ऑन कंसेंट पे. जितना सवाल पूछा करे उतना दिमाग लगाया करो, ज्यादा आप लॉ ना लॉ स्कूल में जाके लगाना सही रहेगा. टर्म्स ऑफ एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रूव बाय प्रोड्यूसिंग द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ओनली एंड ओरल एविडेंस इज एक्सक्लूडेड. रिसीप्ट इज नॉट अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा सच कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, रिसीट है वो. तो आपने पैसा दिया, आपको रिसीट मिला, तो रिसीट इज द कंसिडरेशन दैट यू गेटिंग. मतलब रिसीट विल नॉट बी सीन एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. रिटन कॉन्ट्रैक्ट में तो मतलब जैसे गवर्नमेंट सील वगैरह ये सब होता है, तो यहाँ पे ओरल एविडेंस टू प्रूव पेमेंट इज अलाउड. ए इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये उसमें नहीं आएगा रिटन कॉन्ट्रैक्ट में. चलिए, उनमें द प्रिंसिपल वॉज नॉट ऑफ रेस्क्यू केस, द प्रिंसिपल वॉज ओनली ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. एक्सेप्शन नहीं था तो एक्सेप्शन नहीं लगाएंगे. Allowing it to emit large quantities of spark. High wind, normal in open fields, carried the sparks to the stacks around. Veerappa was not liable. Should have anticipated. नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्यों होगा? वन हैज टू कॉम्पेंसेट अनदर. एक तो मेरे को ना ढंग से ये दिख नहीं रहा है, तो एक बार 10 बजे की क्लास में इसका ढंग से स्क्रीनशॉट लेके डाल देना प्लीज, तो फिर आई विल आंसर इट बेटर. ठीक है, कैब बोले इंटॉक्सिकेशन केस में कैब के अंदर बैठना, इज इट नॉट? नो नो, अभी दैट इज यू गिविंग कंसेंट टू सिट इन द कार एंड रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, नॉट सिटिंग इन द कार एंड गेटिंग इन टू एन एक्सीडेंट. ठीक है, समझा?